मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को निर्देश दिए कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। चार धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिव यात्रा मार्गों का स्थल निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि चार धाम यात्रा की सभी तैयारियों को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्लास्टिक और कूड़ा प्रबंधन के लिए चार धाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, चार धाम यात्रा हर साल उसकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 56 लाख लोग थे, उससे पहले साल 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार कुछ ही दिनों में 15 लाख से ज़्यादा अभी तक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इसलिए चार धाम यात्रा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी और पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन करने वालों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए। वो यात्रा अच्छी हो, उसमें सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएँ चलें, परिवहन की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आवास है, सभी प्रकार का जो यातायात है वो भी ठीक प्रकार से चले, किसी को जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशानी न हो। हालांकि ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है और चूँकि सभी को पता है पैदल यात्रा है, यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी समुचित व्यवस्थाएँ रहें, ठीक प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था हो, होटलों इत्यादि, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी, ये सब ठीक रेट पर भी मिलें, ठीक प्रकार से इसका इंतजाम हो।